फ्रिजगोरी पे एक लीडर है, वो औरत संघ के पैसे नहीं भरी बोल को जाकर औरत की गैस का सिलेंडर लेकर उठा लेके गई। उस दिन पूरे रात पूरे बच्चे भूखे सो गए उस दिन। वो इलीगल है, वो ऑफेंस है वो, और उसके बेसिस पे वो ग्रुप लीडर्स के ऊपर केस फाइल होगा। वो सही बोलते हैं, सूद खा खा को सुअर का बाल उठता बोलते हैं जिसम पे। ये सुअर का बाल उठे ऐसे लोग आएंगे, और ऐसे लोगों पे मुरावत नहीं करना, चप्पल निकाल कर मारना ऐसे लोगों को। तो आज पूरे गुलबर्ग की नज़र आज यहाँ के प्रोटेस्ट पे थी, जो माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ और वो जो जुल्म करने वाले ग्रुप लीडर उनके खिलाफ थी। देखिये यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस के RBI के गाइडलाइंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मैसेज मैं लोन डिफॉल्टर्स को देना चाह रहा हूँ। मैं RBI जी के गाइडलाइंस है माइक्रो फाइनेंस को, ये गाइडलाइंस दिए कि आप कोई भी ऑफिसर्स को, रिकवरी ऑफिसर्स को शाम में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ना वो घर पे जाएगा, ना फोन करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये माइक्रो फाइनेंस के जो ऑफिसर्स है वो लोग रात में 10, 11, 12 बजे जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा वॉयलेशन है, वॉयलेशन ऑफ RBI गाइडलाइंस। तो एक कॉपी लेटर हम लोग RBI को भी दे रहे हैं, हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी पूरे। तो ये बताता है कि यहाँ पे कितनी जरूरी थी ये इशू को रिप्रेजेंट करना। और ये साथ ही साथ जो ग्रुप लीडर्स है, ग्रुप लीडर को भी मैं मीडिया के माध्यम से वार्निंग दे रहा हूँ। मैं ये तो जो पुराने ग्रुप लीडर है जो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर तो FIR लिस्ट हम दे दिए, उनके ऊपर FIR होगा और उनके ऊपर एक्शन होगा, दो जगह से FIR होगा, क्योंकि ना उनके पास ट्रेड लाइसेंस है, घर में बैठने का कोई कारोबार का लाइसेंस नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो इलीगल है, वो ऑफेंस है वो, और उसके बेसिस पे वो पूरे ग्रुप लीडर्स के ऊपर केस फाइल होगा। और जो नए ग्रुप लीडर जो अब उड़कर आ रहे, जो संघ चलाने लीडर बनने जा रहे, उनको हम लोग वार्निंग दे रहे कि अगर आप ये हरकत करेंगे, संघ को एंटरटेन करेंगे, ग्रुप लीडर बनेंगे, तो हम 1 रुपए की मुरव्वत नहीं रखेंगे, आपके ऊपर भी FIR करेंगे। ये वार्निंग है खुला खुला, क्योंकि आप घटिया लोगों की वजह से आज पूरे औरतों को रोड पर उतारना पड़ा, पूरे औरतों को घर के, अरे शर्म आना, एक औरत मिजगोरी पे एक लीडर है, वो औरत संघ के पैसे नहीं भरी बोल को जाकर औरत की गैस का सिलेंडर लेकर उठा लेके गई। उस दिन पूरे रात पूरे बच्चे भूखे सो गए उस दिन। दूसरे दिन एक एक्टिविस्ट जाकर इन्हें पैसे देकर लेकर आकर उनको खाना बनाने दिए। इतना जुल्म, इंसान को पैदा हुए, जानवर को पैदा हुए, ये लोग समझ में नहीं आता। वो सही बोलते हैं, सूत खा खा को सुअर का बाल उठता बोलते हैं जिसम पे। ये सुअर का बाल उठे ऐसे लोग आए, और ऐसे लोगों पे मुरावत नहीं करना, चप्पल निकाल कर मारना ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे पूरे औरतों को यही बोले से कि आपको अगर ग्रुप लीडर और आपको अगर संघ का कोई माइक्रो फाइनेंसर आकर परेशान कर रहा, वो लोग रूल्स तोड़ रहे, तो तुम भी रूल्स के ये करो और जूता निकाल के चप्पल निकाल को मारो बोले। हम लोग उनके साथ है और बराबर ठहरेंगे इसके साथ। एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती बोल के ये मुहिम चली थी, एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती। आप बताइए ये औरत है क्या वो औरत है, कौन है औरत इसके अंदर? ये ठहरे तो ये 1000 औरत है, तो ये औरत है क्या वो अकेली एक औरत है? इनको समझ में नहीं आता कि औरतों का दर्द। MLA चाह तो पार्लियामेंट में एक रूल्स पास कर सकता है, CM को बात कर सकता है, एंड में एक अमेंडमेंट कर सकता है कि जितने भी डेप्ट्स है वो डेप्ट्स को क्लियर करने के लिए फंड रेस कर सकता। मैं आवाम को बोलना चाह रहा हूँ, ये जो एक नारी सौ पे भारी, ये क्या भी नहीं है। ये एक नारी है से भारी किसके ऊपर? खुद के घर पे नहीं है वो भारी, एक नारी सौ पे भारी कहते। ये सब नारे लगाना छोड़ो। और एक एक कन्वेनर एक बोला था सरोजिनी नायडू, माँ मदर टेरेसा, उसे कंपेयर कर रहे थे। वाह रे मदर टेरेसा, 1200 लोग हैं यहाँ पे बैठे, हजारों की तादाद में लोग बैठे, मदर टेरेसा घर में बैठे हुए हैं। गुजारिश करता हूँ आप लोग, बहुत उम्मीद से लोग आपको जीते हैं, आपके एरिया के लोग आए, ये आपके एरिया के लोग आए, आपसे उम्मीद रखे। ये छोड़ दो दामन, ये MLA MP का दामन, ये लोग नए आने वाले, ये लोग ही आपको लाने वाले आने वाले वक्त में, यानी तो यही लोग आपको घर में बिठाने वाले हैं। तो मैं कॉर्पोरेटर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आवाम का दामन पकड़े, उनका साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए। कितनी तकलीफ की बात है, हमारी माँ बहनें रोडों पर उतर रहे हैं और उनको इंसाफ तक नहीं मिल रहा।